अटैक टेररिस्ट अटैक एकजुट जम्मू की तरफ से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले जम्मू के लोगों को बधाई देने के लिए की जा रही है कि जिस तरीके से जम्मू के लोगों ने स्वयं सिचुएशन को अपने हाथ में लेके जम्मू के भीतर टेररिज्म के जो इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उन पे सर्जिकल स्ट्राइक की। पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से यहाँ पे जो माहौल बनाया जम्मू के लोगों ने कि सरकार को मजबूर होना पड़ा पहली बार एंटी नेशनल ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वो बधाई के पात्र हैं। जम्मू के चाहे जानीपुर हो या और एरियाज हों जहाँ पे जब एंटी नेशनल लोगों ने नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, तो जिस तरीके से जवाब जम्मू के लोगों ने किया उस चीज़ के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो एंटी नेशनल रैंट्स और एंटी नेशनलिज्म के जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स और टेररिज्म के और सेसेशनिज्म के जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जम्मू में भी अब घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये मुंह तोड़ जवाब मिला है, तो बहुत बधाई के पात्र हैं जम्मू के लोग। दूसरी चीज़ मैं एकजुट जम्मू की तरफ से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि पाकिस्तान पे जंग नाफिज करने की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले जंग नाफिज जंग का ऐलान करने से पहले जो जम्मू कश्मीर के भीतर में इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर जो हैं टेररिज्म के और सेसेशनिज्म के, उन पे आपको इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। आप जम्मू के लोगों से कुछ सीखिए। जम्मू के लोगों ने पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करके इन लोगों को डराया है या इन लोगों को अपने अपने बिलों में छुपने के लिए मजबूर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यही सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करने के लिए इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए। तीसरी बात, जो पिछले दिन ही उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद इमीडिएटली, यह भी एक कारण है कि हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल करना पड़ा, क्योंकि कश्मीर बेस्ड कम्युनल लीडरशिप सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के जम्मू के खिलाफ और देश के खिलाफ एक गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यह जम्मू के लोगों को और देश के लोगों को सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती उस समय कहाँ थे जिस समय कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर वैली से उनकी हत्या करके, बलात्कार करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उस समय महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनकी मुफ्ती खानदान, जितने भी लोन्स थे, अब्दुल्लास थे, सब चुप रहे। तब इनकी आवाज़ नहीं निकली। जिस समय NIT के छात्रों पे, जो राष्ट्रवादी छात्र थे, केवल उन पे मार कुटाई उनकी इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाए, उस समय महबूबा मुफ्ती और उनकी जो इल्क थी इंक्लूडिंग उमर अब्दुल्ला, वो चुप थे, उन्हें ये कम्युनलिज्म नहीं दिखाई देती। जिस समय 200 टेंटों को आग लगा दी गई श्री अमरनाथ जी श्राइन के दौरान, वहां पे यात्रा के दौरान 200 टेंट फूंक दिए गए, उस समय ये मूक दर्शक बन के बैठे रहे। जिस समय इनके कश्मीरी छात्र, जिनको लेके आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जब ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेके और इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग फ्री की स्कॉलरशिप लेके इंडिया के एजुकेशनल और प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंटी नेशनल और हिंदुस्तान तेरी बर्बादी होगी के नारे लगाते हैं, उस समय इनकी चुप्पी कहाँ जाती है और उस समय इनका सेक्युलरिज्म और देशभक्ति कहाँ जाती है? तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करना चाहते हैं आज एकजुट जम्मू के माध्यम से, जम्मू के लोगों की तरफ से, कि जो इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है वो निम्नलिखित है। पहला, आर्टिकल 35A और 370 जो टेररिज्म और सेसेशनिज्म के इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है, उसे प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से तत्काल प्रभाव से खत्म करें ताकि इस तरीके के लोग ताकतवर ना हो पाए जो लोग टेररिज्म और सेसेशनिज्म को इम्प्यूनिटी के साथ बढ़ाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली या चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को इस्तेमाल करके भी उसे आगे बढ़ाते हैं। उमर अब्दुल्ला के समय पे वहाबी, जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है जिसकी मजम्मत इस्लामिस्ट वर्ल्ड में भी होती है, हजारों मॉस्क बनी। उमर अब्दुल्ला वहाबी फ्रंटलाइन फ्लैंक है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वहाबी टेररिज्म के, उससे में उनकी सेक्युलरिज्म कहाँ गई? इन प्रोसेसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। तीसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करे, फॉर्मल रिकॉग्निशन हो कि कश्मीर वैली में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो एक जेनोसाइड था। आज तक फॉर्मल रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जेनोसाइड की नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप कश्मीरी हिंदुओं के उस, जिसे आप माइग्रेशन या एग्जॉडस कहते हैं, आप उसे जेनोसाइड कहोगे तो फिर यूनाइटेड नेशन की वो कन्वेंशंस जिसके आप सिग्नेटरी हैं उसके हिसाब से आपके ऊपर कुछ जिम्मेवारियां आएंगी। अपनी जिम्मेवारी ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को जेनोसाइड फॉर्मली रिकॉग्नाइज करे, तभी तो यहां पे सेक्युलरिज्म रिस्टोर होगी। उस समय कहां है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जिस समय कश्मीरी पंडितों के एग्जॉडस और जेनोसाइड को वो ट्रिवलाइज करके केवल ये कहते हैं कि ये तो एक माइग्रेशन थी,
जो इन्हीं के कारण हुई और उनपे दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जम्मू कश्मीर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये हम ये कहना चाहते हैं जम्मू की तरफ से कि जम्मू कश्मीर कोई मुस्लिम प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो सब माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, क्रिश्चियंस हों, उनका भी उतना ही जम्मू कश्मीर पे अधिकार है जितना किसी मुसलमान का है। तो ये टू नेशन थ्योरी को जब वापस ला के उसकी धमकी देने की कोशिश उमर अब्दुल्ला ने की है, क्या ये उमर अब्दुल्ला ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेवारी कायम है और महबूबा मुफ्ती या मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज कश्मीर की जो आज कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म चिल्ला रही है इन माइनॉरिटीज को उनके फंडामेंटल राइट्स देने की। ये क्या हो गया कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पिछले 7 दशकों से जो हिंदुओं आ रही हैं उन्हें इलीगल तरीके से चोरी छुपे एक विशेष धर्म के लोगों को जिनकी संख्या 60-65% के करीब है मुस्लिम समुदाय को दे रही है और यहाँ पे ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी चिल्ला के सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की दुहाई देते हैं। कम्युनलिज्म ब्रेजनली ये करते हैं, इस कम्युनलिज्म को डिसमेंटल करने की जरूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली स्टेप्स ले और गवर्नर साहब को आदेश दे कि साथ ये डिसीजन ले कि जम्मू कश्मीर में तत्काल प्रभाव से हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैन्स को, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाएगा और सब आने वाली 60-70 स्कीम्स जिसका फायदा आज की डेट में मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी ले रही है उसे शिफ्ट करके एक्चुअल माइनॉरिटीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम ये डिमांड करते हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि इमीडिएटली जो जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ एंटी नेशनल लोगों को एक सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की गई उसके फॉलो अप में जो FIRs दर्ज की गई हैं उन्हें वापस लिया जाए। ये टॉलरेट नहीं करेगा जम्मू कि आप कर्फ्यू इम्पोज करें या FIRs का डर दिखाएं माइनॉरिटी कम्युनिटी को टू प्रोटेक्ट दोज जो पाकिस्तान और एंटी नेशनल ताकतों के कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही